सोलन नगर निगम के चुनाव अप्रैल माह में होने वाले हैं, जिसके चलते भाजपा और कांग्रेस युद्ध स्तर पर प्रचार कर रही है। दोनों बड़े दलों के प्रभारियों की नियुक्ति हो चुकी है। इन चुनावों में फिर से प्रत्याशियों द्वारा बाढ़वासियों को वायदे किए जाएंगे और बाढ़ आदर्श बाढ़ बनाने के सबज बाग भी दिखाए जाएंगे, लेकिन बाढ़ों की समस्याएं बरसों से जस की तस बनी रहती हैं। ये सोलन की एक बाढ़ की बात नहीं बल्कि करीबन प्रत्येक बाढ़ का ही यही हाल है। वार्ड नंबर 8 शिल्ली रोड निवासियों ने कहा कि उनके वार्ड में भी बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन अभी तक उनका समाधान नहीं हुआ है। वे चाहते हैं कि उनका वार्ड सुंदर और स्वच्छ हो। वार्ड नंबर 8 के निवासियों ने कहा कि उनके वार्ड में पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है। मंदिर में माता का आशीर्वाद लेने आए भक्तों का भी अक्सर चालान किया जाता है। उन्होंने कहा कि यहां मंदिर के आसपास भी गंदगी फैली रहती है, नालियां गंदगी से भरी पड़ी हैं, जिसे कभी कभी साफ किया जाता है। उन्होंने कहा कि वह कोरोना की वजह से मंदी से गुजर रहे हैं, लेकिन नगर परिषद सफाई का भारी भरकम शुल्क भी वसूल कर रही है। उन्होंने कहा कि उनके वार्ड में कोई शौचालय नहीं है, जिसके चलते मंदिर में आने वाली महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मेरा नाम विकास उबराय है, मैं वार्ड नंबर 8 का स्थायी निवासी हूँ। वैसे तो पिछले 5 वर्ष में हमारे वार्ड में बहुत अच्छे काम हुए, पर कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो अभी ठीक होनी चाहिए। सबसे मेन समस्या यह है कि यहाँ पर जो लोग भी मंदिर आते हैं उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। ये मंदिर के बाहर ये परिसर सा खाली पड़ा हुआ है, लेकिन लोगों को स्कूटर वगैरह बाहर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से जाम लगा रहता है। तो कई बार उन लोगों के चलान भी हो जाते हैं। हमें अच्छा नहीं लगता कि इतना मेन मंदिर है यहाँ का, लोग आते हैं और फिर चलान वगैरह हो जाए। मंदिर परिसर में जगह पड़ी है, अगर वहाँ से चेन खोल दी जाए, 5-10 स्कूटर लग जाएँ तो ये समस्या हल हो जाएगी। सेकंड समस्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ लेडीज़ के लिए वॉशरूम की बड़ी ट्रबल है। जो मंदिर आते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है। अगर ये 2 समस्याएं हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, ठीक हो जाए जो भी अब वार्ड मेंबर आए। मेरा नाम परविंदर सिंह है, मैं शुरली माता मंदिर के पास पिछले 50 सालों से रह रहा हूँ। तो यहाँ मेन समस्या जो देखते हैं, मैं यहाँ दुकान करता हूँ, बाहर से लोग बड़े दूर दूर से, कोई दिल्ली से, कोई कहीं से, बड़े दूर दूर से लोग आते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी लेडीज़ के लिए बाथरूम टॉयलेट की जो सुविधा नहीं है यहाँ पे, इसलिए वो बड़े परेशान होते हैं लोग। कईयों को तो हमारे को अपने घरों में भेजना पड़ता है, लेकिन सबको तो भेज नहीं सकते, तो इसकी दिक्कत सबसे ज़्यादा है। और कुछ यहाँ सफाई वगैरह का भी ज़्यादा खास इंतजाम नहीं है। नालियों के अंदर कूड़ा बहुत जमा हुआ हुआ, आते ही स्वीपर ऊपर ऊपर से तो ले जाते हैं, नीचे से निकालते नहीं इसके अंदर से। समस्या ये है कि कूड़े के कूड़ादान ऊपर से उठा दिए। यहाँ दुकान में एक मुठ्ठी कूड़ा नहीं होता और 300-300 रुपये के बिल आते हैं। पहले तो ये जो है कूड़ा की समस्या है जो सबसे बड़ा हो गया। वो नहीं, वो धमकियाँ देते हैं कि आपको कोर्ट में खड़े करेंगे, ये है वो फलान। हाँ जी, तो कई बार डबल बिल भी ठोक गया भाई। सुबह पिछले बार ऐसा किया, डबल बिल दे दिए इन्होंने कूड़े का। अब क्या करें, 300 की जगह 600 जमा करा के आया मैं। सबसे पहले तो हमारी समस्या यही, हम तो या तो शॉप कीपर है, महाराज दुकानदार है, 1 साल हो गया हमारे को बिल्कुल बंद है, मंदिर बंद बंद पड़ा है। जो क्या बोलते हैं, सारी जगह मंदिर खुल गए हैं, चिंतपुर्णी में खुल गए हैं, ज्वालाजी में खुल गए हैं, प्रसाद वहाँ चढ़ रहा है, यहाँ बिल्कुल बंद किया हुआ है। हम तो 1 साल पूरा हो गया बिल्कुल बेले बैठे हुए। अब समस्या तो हर एक चीज़ों की है, पानी के बिल की समस्या है, बिजली के बिल की समस्या है, और क्या बोलते हैं, सब अपने दुकान के किराए की समस्या है, बच्चों की फीस की समस्या है, ये सारी समस्या हमारे ऊपर तो आ गया है। प्लीज़ प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है, कृपया करके मंदिर खोल दें।